देवेंद्र फडणवीस क्या मुख्यमंत्री बनने की तरफ अग्रसर है? राज्यसभा में बनने जा रहे हैं, अग्रसर क्या है वो बनने जा रहे हैं, वो इसमें कोई किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं रह गई है मुझे लगता है। और दूसरी चीज क्या है, बनने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देखिए अभी तक बीजेपी का पूरा जो खेल है वो समझिए, बीजेपी 2019 का बदला लेने के लिए व्याकुल थी। महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर जैसे जैसे पर्दे के सामने साफ होती जा रही है गोदी मीडिया के खलिहरों के बीच, देखो मैंने कहा था ना वाली नूरा कुश्ती भी हो रही है। अपने सरकार की जोड़ तोड़ और मरोड़ से सत्ता गोल करने वाली सियासी पारी की सफलता से जो खुशी गोदी के चेहरे पर उभर रही है वो छुपाई नहीं छिप रही। अब उद्धव ठाकरे की सरकार के लिए जो रुदाली बने बैठे हुए थे वो बीजेपी और एकनाथ के एक होने से इस गठबंधन के लिए सोहर गान गा रहे हैं, और उन्हीं में से एक है चित्रा त्रिपाठी जिसने सबसे पहले सबसे सटीक भविष्यवाणी करने का दावा ठोक दिया है। क्या, कब और कैसे, सब आगे इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूँ सुम्बुलीरम। महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर साफ हो चुकी है, या कहिए जो बहुत पहले से साफ थी वो अब हकीकत हो चुकी है। महाराष्ट्र की सत्ता से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की तिकड़ी वाली महाविकास अघाड़ी इस साल मुंबई के बरसात में हर साल की तरह डूबने से पहले ही डूब गई। मतलब ये कि जो खेल पिछले 15 दिन से चल रहा था अब उसका पट्टा शेप हो चुका है और खेल जीता है एकनाथ ने, साथ मिला है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का। 2019 के अपमान का बदला लेने के लिए व्याकुल बीजेपी ने जिस भी सियासी तिकड़मबाजी का खेल किया सो किया, लेकिन अब क्रेडिट के कतार में दावेदार कई खड़े हो चुके हैं और उन्हीं में से एक है बुलेट पर सरपट रिपोर्टिंग करने और सरकारी खेमे की जबान बोलने वाली मशहूर और उन्हीं के साथियों के हिसाब से वरिष्ठ पत्रकार चित्रा त्रिपाठी। सरकार के शपथ लेने से पहले ही चित्रा ने दावा कर दिया कि जो आज हो रहा है वो तो उनके मुख कमल से बहुत पहले ही भविष्यवाणी बनकर निकल चुका था, आज तो बस साकार हो रहा है। चित्रा ने आज तक के डिजिटल कार्यक्रम में जब ये सवाल पूछा गया कि क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनकर महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठेंगे, तो चित्रा ने उतनी ही तेजी दिखाते हुए कहा, लगता क्या है, तस्वीर बिल्कुल साफ है, देवेंद्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ना केवल ये बात चित्रा ने अपने चैनल के कार्यक्रम में बोली बल्कि साथ ही साथ इसका प्रचार ट्विटर से लेकर फेसबुक तक पर एक सच्चे गोदी पत्रकार की तरह किया कि देखो मेरे मालिक की आज जीत है, भविष्यवाणी मैंने की थी। लेकिन शिवसेना को किनारे लगाने के चक्कर में बीजेपी बिहार मॉडल पर ही सरकार में वापसी कर पाई है। बड़ी पार्टी होने के बावजूद बाकी विधायकों की टोली के आगे झुककर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद ना केवल देना पड़ा है बल्कि अपने आवास सागर से देवेंद्र फडणवीस के जो अरमान मुख्यमंत्री आवास वर्षा तक पहुंचने के थे वो भी फिलहाल के लिए धुआं धुआं ही सह रह गया। देवेंद्र को मुख्यमंत्री का पद मिला उसी में अब संतोष भी करना है और वही इंतजार भी कि उद्धव मुड़ाते जो सिर पर एकनाथ गिरे हैं उनसे अब अपनी कुर्सी कैसे लेनी है। बड़े चित्रा एंड कंपनी कितना भी ढोल पीट ले कि जीत देवेंद्र की हुई है, लेकिन फडणवीस का हालत हाथ तो आया पर मुंह ना लगा वाली ही कही जाएगी। हालांकि शाह ने फडणवीस के सब्र को सहानुभूति की शब्दों में कहा है, फडणवीस का मन बहुत बड़ा है लेकिन दिल कितना भारी होगा शाह काश पता कर पाते। तो देवेंद्र फडणवीस की इस आधी अधूरी ताजपोशी पर, चित्रा त्रिपाठी के इस जश्न पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए।